अब मैं अपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गांव वाले गांव वाले कह लो हमारा जूनियर है ये जिस कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ उसी कॉलेज में मेरा दो साल जूनियर रहा है इतफ़ाक से वो एक समय के बाद जब मैं 2013 में गया तो तब ये भी था उस प्रोसेस में कि मेरे पास कुछ है इसको कुछ बनाना चाहिए परंतु वो मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई और हम चले आए मायूस हो करके और हमने वो बुद्ध वाला स्टेटमेंट फॉलो किया कि अब कोई और नहीं है अपने साथ अकेले ही चलना है तो इतफाक से वो जर्नी होते गई इनके ही एक साथी डॉक्टर जितेंद्र वर्मा पहले पांचवें बैच में हो गए ये हमेशा फोन करके एक ही चीज पे के हमको कितने में सिखाओगे मतलब वो किसी ने मेरे साथ रहा है खाना बिताया है तो बहुत है पर मैंने उसको फुल पैसे कोई कंसेशन नहीं दिया है मैं इसलिए नहीं दिया मैं उसे दे सकता था मैं ये चाहता था कि वो पैसे की वजह से सीखने के लिए ना आए पैसा पैसे मैं उसे फ्री में सिखा सकता था और वैल्यू नहीं होती दूसरा मेरे कॉलेज में जो मेरी इमेज थी वो कभी ऐसे स्टूडेंट की कभी नहीं थी क्योंकि आपने सुनी है उसने एक्सपीरियंस की है हम इनसे सुनना चाहेंगे थोड़ी तो वो मैं चाहूंगा कि वो मेरे वहां से जुड़ा है और आज उसने मेरे को अलग रूप में देखा है सीखा है तो वो क्या फेस मेरे अंदर क्या चेंज महसूस किया और उसको क्या मिला है यहाँ पे एंड ऐसे नहीं है कि मैं सैगल सीख के आया तो मैंने कॉलेज में सैगल भी सिखाया है ये लोग जो मैंने मिला है वो मुझे जैसे हो सकता था मैंने किया है बट डेफिनेटली मैं कॉलेज में कभी इस स्टेज पे पहुंचूंगा ये कॉलेज की तो कभी परसेप्शन थी नहीं डॉक्टर अनिरुद्ध आपकी बात अगर आपके कॉलेज वाले आपको बुला लें आपके गांव वाले आपको बुला लें तो आप मान लीजिए मैंने कहा ना अपने घर वालों को जब ठीक करना शुरू कर दिया तो आप अच्छे डॉक्टर बन चुके हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है ठीक है दूसरा केस नहीं हुआ तो कोई बात नहीं ऐसे ही जब अपने कॉलेज वाले जिस कॉलेज के टीचर्स जिस कॉलेज के प्रिंसिपल भेगा समझते हो वो डायबिटीज की टू डेज की सेमिनार के लिए इन लोगों की वजह से बुला लेते हैं चलो ठीक है सुन लेते हैं इन लोगों ने कहा तारीफ किया कहना नहीं वो अभी बहुत कुछ जानते हैं अभी उन्हें बुलाना चाहिए खैर मैं गया और उसके बाद मुझे किसी ने नहीं बुलाया क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि फिर पढ़ाना पड़ता है मेरे साथ यही फीडबैक थे मैंने जिनसे भी पर्सनली फ़ोन करके पूछा कह रहे टीचर सबसे ज़्यादा नाराज हैं मैंने कहा क्यों मैंने उनका क्या बिगाड़ा है कह रहे अब वो लड़के क्वेश्चन पूछते हैं ये वाला एफोरिज्म का क्या मतलब है तो डॉक्टर अनिरुद्ध को सुनते हैं दो हजार और हम इनको बॉस भी कहते हैं सर भी कहते हैं क्योंकि बॉस हम इनको ज़्यादा दिन तक कहे हैं और सर तो अभी जल्दी स्टार्ट किया तो जब हम लोगों ने एडमिशन लिया तो ये था कि उस टाइम पे रैगिंग बहुत होती थी तो ये हुआ कि कॉलेज में चलना है डर बहुत लगता था तो शुरुआत में जब मैं गया तो मैं थर्ड काउंसलिंग में गया था तो दो चार मेरे बैच वालों ने भी जो है वो नाइन्टी मारना रहता था तो कर दिया फिर <laughs> फिर जब जो है कुछ दिन क्लास किया तो उसमें ये सुनने में आया कि एक सीनियर हैं उनसे जो है बहुत ख़तरनाक है और वो अगर आ गए तो समझ लो कि क्या होना है तो एक और इनके सर बॉस के भी जो एक सीनियर थे तो इनका नाम भी जो उन्हीं के नाम पे था तो हम लोग मतलब अपने कॉलेज में सबसे ज़्यादा अगर टेरर किसी का था तो वो चक बॉस का था <laughs> और फिर धीरे धीरे ये था कि इनका मतलब एक अलग ही और रहता था कि कॉलेज में जो है सबसे अलग और हम लोगों का अटैचमेंट जो है शुरू से ही था मतलब जो है इनके साथ बॉस के साथ अच्छा अटैचमेंट रहा और जहाँ जहाँ ये गए हम लोग पीछे पीछे लगे रहे कोई भी मतलब प्रोग्राम हुआ सेमिनार हुई ये कुछ भी रहा तो बॉस के साथ हम इनकी क्लिनिक पे भी रहे घर वाली पे भी और फिर ऐसे ही मतलब बीच में थोड़ा सा वो हुआ फिर तो अब जो है हमारे फैजाबाद कॉलेज में बॉस को भी शायद नहीं पता होगा कि एक बार मोहंती सर की हम लोगों ने सेमिनार कराई थी तो उसमें एक फर्स्ट ईयर का लड़का जो है रूब्रिक्स के ऐसे जवाब दे रहा था जो हम लोगों को नहीं पता थे मतलब हम लोगों ने जो वहाँ पे बोया वो जो है इतना ग्रो कर गया और वो लड़का जो है आज एन से एम कर रहा है और उसने क्या किया कि अब रूब्रिक्स जो है एन वालों को पढ़ाना शुरू कर दिया <laughs> तो मेरी उससे बात होती तो मैं कहता हूँ कि तुम अभी रॉन्ग ट्रैक पे हो वो चीज़ नहीं जानते हो जो एक्चुअल में है तो बात करता हूँ तो पहले वाले जो एक्सपीरियंस थे वो अब कोचिंग करने के बाद जो है टो टोटल डिफरेंट हो गए और चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ तो लेकिन वहाँ का कुछ एटमॉसफियर ऐसा है कि वहाँ पे सही चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल है कि डिलीवर कर पाए ये प्रॉब्लम है वहाँ की क्योंकि एक एक सब्जेक्ट में चार चार पांच-पांच टीचर हैं सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है तो वो अलग इशू है लेकिन ये फिर भी कोशिश करता हूँ जितना कि मैनेज करूँ वो पता चला कभी कभी मैं खुद ही फंस जाता हूँ एक बार फाइनल ईयर में बच्चे पूछने लगे कि वो फर्स्ट एफ जब मैं जो आईजी टी टर्म लिखा हुआ उसका क्या मीनिंग है तो तब तक मुझे खुद ही नहीं पता था मैं सोचा कि ये वन टू टू नाइनटी वन तक पूरा जो है वही आईजी टी टर्म लिखा है फिर जब आ करके चूंकि अब क्वेश्चन पूछा फाइनल ईयर वालों ने तो उस समय बता के चले आए फिर जब आके देखा उसको फिर से फिर पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं ये तो जो है ऐसा और इस क्लास को हुए मतलब उस क्लास के बच्चों को पढ़ाए हुए हमें छः महीने हो गए अभी दोबारा हम जाके उनको ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो मैं उस दिन बोला था वो गलत था <laughs> ये कंडीशन है तो लेकिन बाकी कॉन्फिडेंस तो खैर बहुत अच्छा मतलब हो ही हो ही गया है उससे और कोशिश करता हूँ कि ओपीडी में भी जो है केस ए, क्रोनिक डिजीज या मटीरिया का पूरा या फिर जो है ए, हेरिंग गार्डिंग सिम्टम से करके ही जो है दे, देता हूँ और वो अब इजी लगता है पहले से तो ये है थैंक यू थैंक यू एक्चुअल में मेरी टर्निंग इसलिए हुई वेगाबॉन्ड से एक सिंसियर की क्योंकि मेरे फादर बहुत ग्रीवियस स्टेट में गए थे अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं थी फाइनल ईयर में मुझे नहीं लगता था कि मैं होम्योपैथी के लिए बनाऊँ मुझे लगता था कि ये मेरे फैदाबाद में पाँच दस रुपए में होमोपैथी मेडिसिन देते थे, थे और मुझे लगता था मैं इसमें सरवाइव नहीं कर सकता अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए मैं कर रहा था एंड एक दो बार भागा भी हूँ मैं उससे बचने के लिए खैर कभी कभी हम नहीं चाहते हैं परंतु अपने प्रारब्ध वहाँ हमें ले आते हैं जो एक्मलेटेड कर्मा जिसको बोलते हैं जो हमने पहले कभी किए थे वह हम पहुंच गए हमारी हमको ही नहीं पता था हमें यहाँ पहुंचना है